हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू फिजिक्सहोलिक्स। तो भाई आज हम एक ऐसी क्वेरी पे डिस्कशन करने वाले हैं जो मुझे बार बार आती है ना। मैं कोई भी फ्री लाइव क्लासेस देता हूँ यूट्यूब पे, अनअकैडमी पर, है ना। तो एक क्वेरी बार बार पूछी जाती है कि हर समय मोटिवेटेड कैसे रहना, पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे करें। तो क्या हम दिन भर मोटिवेशनल वीडियोज देखते रहे यूट्यूब वगैरह पे जाके, स्ट्रेटजी वीडियोस देखते रहे, क्या करें, मतलब ये तो नहीं करना है डेफिनेटली। तो चलो अपन उसके बारे में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो में फटाक से इस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि अपन किस तरह से हर समय मोटिवेटेड रह सकते हैं खुद, या फिर और भी बेटर क्वेश्चन कि हमको जरूरत भी है क्या हर समय मोटिवेटेड रहने की, है ना। तो चलो बात करते हैं। तो देखो अपन क्या क्या बात करेंगे भाई, हमारी प्रिपरेशन में नीट या जेईई, हम जिस भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हमारा मोटिवेशन का कितना रोल है और डिसिप्लिन का कितना रोल है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें। और मतलब कितना कितनी हमको क्या जरूरत है ना, हम क्या करें जब हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, पर ये भी पता होना चाहिए, ये भी जरूरी है, इससे भी फर्क पड़ता है, विल टॉक अबाउट इट, है ना। क्या करें जब हम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, या फिर हमको लग रहा है यार मतलब यार नहीं होने वाला, नंबर नहीं आ रहे, या फिर वी आर फीलिंग लाइक अ लूजर, क्या करना चाहिए यार उस वक्त हमको। अगली चीज, सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहे, डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें लाइफ में ना, लाइफ में ये जो चीज है ना, ये सिर्फ तुम्हारी सिर्फ नीट या जेईई की प्रिपरेशन के साथ नहीं रहने वाली, ये पूरी लाइफ में रहने वाली है ना। तो कैसे वो डिसिप्लिन हम डेवलप कर पाए। और उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा, टीम मिस हो गया भी, माय बैचेस ऑन अनअकैडमी, है ना, अनअकैडमी पे आईआईटी जेईई या फिर नीट के बच्चे, उनके लिए कौन से क्या बैचेस हैं। तो चलो इनके बारे में बात करेंगे क्विकली। मैं ये बता देता हूँ बैचेस के बारे में। देखो भाई, जो भी बच्चे मुझसे अनअकैडमी पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आई थिंक ये सभी को बताया ना, मेरे अनअकैडमी पे नीट में भी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, जेईई में भी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं ना नीरज सर। तो हाँ, तो 11th के बच्चों के लिए भी चल रहे हैं, 12th के लिए भी चल रहे हैं, ड्रॉपर्स के लिए भी चल रहे हैं ना। और एक्चुअली न्यू बैचेस टाइम टू टाइम आते रहते हैं, है ना। तो हर लोग इस वीडियो को अलग अलग टाइम पे देख रहे होंगे ना, तो उसके लिए बेटर है कि तुम मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो ना। मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंडीड सारी जितनी भी ये चीजें हैं, इन सब की लिंक्स तुम्हें ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। तो तुम फॉलो कर सकते हो वहां पे, है ना। तो मैं बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ अनअकैडमी में, वहां पे तुम डायरेक्टली आके मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो कि सर इस समय कौन से बैचेस है, हमारे लिए क्या सही रहेगा, हमें सब्सक्रिप्शन लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर कहीं और भी पढ़ रहे हो तुम्हारी किसी भी तरह की कोई भी करियर ना, तो मेरे किसी भी अनअकैडमी की जो फ्री लाइव क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस या फिर यूट्यूब पे भी होती है, उसमें आके तुम डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे श्योर हैं कि उनको मुझसे ही पढ़ना है ना, अनअकैडमी पे आके पढ़ना चाहते हैं, वो लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आई थिंक ये चीज सभी को पता है, अनअकैडमी पे रेफरल कोड होता है जिससे तुमको 10% ऑफ मिलता है। माय रेफरल कोड इज फिजिक्स लाइव, अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरा कोड यूज कर सकते हो ना। और डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हो अगर तुम्हें नए बैचेस वगैरह के बारे में पता करना है, जो भी है। सो यू कैन मैसेज मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, है ना। यू कैन मैसेज मी एट द रेट पीजे सर अनअकैडमी, है ना, पीजे सर अनअकैडमी, ना इसमें मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, है ना। और अगली चीज ये भी यार, जिन बच्चों को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो अनअकैडमी की एक बहुत अच्छी नया प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड अनअकैडमी कॉम्बैट, जो हर संडे होता है ना, और हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है ना, जो टॉप करते हैं उन कुछ बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिलती है, 75% स्कॉलरशिप मिलती है, 50% स्कॉलरशिप मिलती है, है ना। और भी बच्चों को बहुत सारी अलग अलग स्कॉलरशिप मिलती है बेस्ड ऑन कि तुम कितने नंबर इन्फॉर्म कर रहे हो, कितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं। और बात है कि ये मौका तुम्हें हर संडे मिलता है ना, सो मेक श्योर कि अनअकैडमी कॉम्बैट 2 जाके हर संडे होता है। उसके लिए भी अगेन अनअकैडमी पे तुम्हें जाना पड़ेगा, वहां पे तुमसे इनवाइट कोड मांगेंगे, वहां पर तुम फिजिक्स लाइव कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ मेक श्योर कि टेलीग्राम पे भाई जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो सारे टेलीग्राम पे आते हैं, तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। उसके बाद मेक श्योर कि भाई फिजिक्स वाली सी वेबसाइट जरूर चेक करना, हम लोग बहुत सारा हाई क्वालिटी कंटेंट बना के डाल रहे हैं ना, जो पूरे कोटा के मॉड्यूल्स हैं, डीपीपीज हैं, उनको नए पैटर्न के हिसाब से ना, नीट के अलग, जेई के अलग, पूरे डेवलप कर रहे हैं। इट इज कम्प्लीटली फ्री फॉर एवरीवन, है ना। और लगभग हर क्वेश्चन का हम बताएं डिटेल्ड रिटर्न सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, सब कुछ बना रहे हैं। सो मेक श्योर कि फिजिक्स वाली सी वेबसाइट पे जाओ और चेक करो एक बार, है ना, जो भी कॉन्टेंट है। अगेन सारी डिस्क्रिप्शन, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं फटाक से, है ना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मोटिवेशन और डिसिप्लिन की बात करते हैं, कितना जरूरी है, क्या जरूरी है, क्या रोल है इसका हमारी लाइफ में, है ना। इंपॉर्टेंट तो देखो है, इंपॉर्टेंट तो है, पर इंपॉर्टेंट का ऑर्डर अलग अलग है, ये नहीं बोल सकते कि बराबर इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज समझनी जरूरी है आजकल, मतलब हर जगह, मतलब बच्चे यही पूछ रहे हैं, एस्पायरेंट्स, है ना,
कि सर मोटिवेटेड कैसे रहे, मोटिवेटेड कैसे रहे। बहुत ही कम बच्चे आके कभी पूछते हैं सर डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें, अपना रूटीन कैसे सुधारे, ये करें, पर ना मेन क्वेश्चन होता है मोटिवेटेड कैसे रहे। तो मेरी समझ में देखो इंपॉर्टेंट दोनों है, पर डिसिप्लिन तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारी रैंक्स आती है, जो तुम्हारा सिलेक्शन होता है जेईई या नीट में, वो मोटिवेशन से नहीं होता है, वो डिसिप्लिन से होता है, वो डिसिप्लिन से होता है ना। ये चीज तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है। जो तुम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहते हो, जो तुम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहते हो, गिवअप नहीं करते, फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम हर रोज पढ़ाई करते हो और एंड तक तुम गिवअप नहीं करते, उन बच्चों के डेफिनेटली सिलेक्शन होते हैं। हो सकता है कि जब तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में कम मार्क्स आए, समझने में डिफिकल्टी हो, बाकी बच्चे तुम्हारे आगे हो, पर जो कंसिस्टेंटली लगा रहता है उनके सिलेक्शन होते ही होते हैं। तो याद रखना, इट इज द कंसिस्टेंसी, इट इज द डिसिप्लिन, जो तुम डेवलप करते हो वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे साथ रहता है, ठीक है। तो देखो चलो ये भी बात करते हैं, पर मोटिवेशन का भी अपना एक रोल होता है ना। तो मोटिवेशन को हम किस तरह से सही ढंग से यूज कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये समझो ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हर समय मोटिवेटेड रहना, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, है ना। हर एक इंसान कभी ना कभी डिमोटिवेटेड फील करता है, कभी ना कभी उसको डाउन फील होता है, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल यार। मतलब तुम पढ़ोगे थोड़ी, मतलब हमारे दिमाग दिमाग में होते हैं यार, कुछ हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते रहते हैं, तो हमें कभी अच्छा लगता है, कुछ कभी कभी खराब लगता है, उनके नाम वाम भी होते हैं अजीब से, उस सब में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखो इट इज कम्प्लीटली फाइन, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल कि कभी तुम्हें कभी कभी ना, वैसे यू ही हमको बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील होता है ना, सुबह उठते हो एकदम से बढ़िया अच्छा सा लग रहा होता है ना कि यार आज तो हम दुनिया जीत लेंगे, बस हम ही कहेंगे, हम ही सब कुछ कर देंगे, फोड़ देंगे, इस बार तो रैंक वन हमारी है, AIR वन हम ही लेके आएंगे, और उस दिन हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, हम बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बिल्कुल डिमोटिवेटेड लग रहा होता है ना, जरूरी भी नहीं है कि डिमोटिवेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे नंबर कम आया, कुछ हुआ है, यूं ही लग रहा होता है डिमोटिवेटेड कई बार, तो यार ऐसा लग रहा होता है यार कुछ नहीं होने वाला, कैसे कर पाएंगे, और इतना सारा पढ़ाई करनी है अभी, इतना सारा है सिलेबस, और फिर रिवीजन भी करना है, इतने सारे लोग हैं पूरे, इतने सारे लोग पूरे इंडिया से, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है, हर कोचिंग में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम में कुछ गड़बड़ी होगी, नेगेटिव सोचने लगते हैं, फिर डिमोटिवेशन होने लगता है, कैसे कर पाएंगे यार, नहीं हो पाएगा यार, बहुत मुश्किल है, लूजर की तरह फील करने लगते हैं। तो देखो बात ये समझो, ये जो फीलिंग है ना कि कभी कभी हम हाई फील करते हैं, कभी कभी लो फील करते हैं, ये कंप्लीटली नॉर्मल है, ये कंप्लीटली नॉर्मली सबको फील होता है। जो टॉपर्स होते हैं ना उनको भी कई बार बताए लो फील होता है, वो भी सेल्फ डाउट में जाते हैं, पर फर्क ये होता है यार कि जब तुम फर्क होता है, दो चीजें कर सकते हो, जब तुम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो ना, देयर आर टू थिंग्स यू कैन डू, एक तो तुम रो सकते हो, बस सोचते रहो यार ये हो रहा है वो हो रहा है ये हो रहा है वो रहा है, और फिर आजकल जो मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब जाके बस मोटिवेशनल वीडियो देख रहे थे दिन भर, मतलब दिन भर मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हैं ना, गए एक वीडियो देखा फिर दूसरा देखा, फिर कोई स्ट्रेटजी का वीडियो देख लिया कि एक कूल सी स्ट्रेटजी आ गई आजकल ना, इसको करोगे तो तुरंत श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाएगा, एग्जाम में ऐसे करो, और फिर पता नहीं कोई टेक्निक देखने लगे, दो तीन घंटे निकाल दिए, फिर यूट्यूब पे बहुत सारे सजेशन आते रहते, फिर बिल्कुल रैंडम वीडियोस देखने लगते हैं और पूरा दिन बर्बाद कर देते, और एंड में जाके फिर से गंदा फील होता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहते, हर रोज सोचते हैं कि यार पढ़ाई करेंगे, हर रोज सोचते हैं पढ़ाई करते हैं पर नहीं हो पाती पढ़ाई, और हर रोज दिन खराब होता जाता है। ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते, करना चाहते पर वो गड़बड़ हो रही है ना। तो बात यही है, जब डिमोटिवेटेड फील करो ना, डोंट रन टू दीज मोटिवेशनल वीडियोस, है ना, मतलब वो तो मतलब छोड़ दो, अब तो जरूरत क्या है, बात ये समझो ना, टॉपर क्या करता है ना, टॉपर क्या करता है, देखो टॉपर को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील हो रहा है, वो तभी अपनी पढ़ाई करता है, उसका एक डिसिप्लिन होता है, एक रूटीन होता है, एक टाइम टेबल होता है, वो उसको फॉलो करता है। उसको खराब फील हो रहा है, डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, हाँ वो एक्नोलेज करता है फीलिंग को कि हाँ ठीक है बुरा लग रहा है, पर ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई करते ना, क्या दिक्कत है। अरे तुम्हें डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, ठीक है होने तो, अपनी फीलिंग पे इतना ज्यादा वो ध्यान मत दो, ठीक है हो रहा है होता है, पढ़ाई करो थोड़ी देर बाद फिर से नॉर्मल हो जाओगे, समझ रहे हो ना। तो ये जो हाई एंड लो है ये आते रहते हैं, ये हाई एंड लो है आते रहते हैं। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है भाई पढ़ते ना, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हारे टीचर जो भी होमवर्क दे रहे हैं, जो भी चल रहा है, तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में लगना है, तुम्हें अपना रूटीन फॉलो करना है, तुम्हें सबसे पहले, इसे बोलते हैं डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से रैंक आती है, रैंक मोटिवेशन से नहीं आती, रैंक मोटिवेशन से नहीं आती, रैंक डिसिप्लिन से आती है। तुम्हारा जो टाइम टेबल है, जो तुमने बना रखा है, तुम्हें उसे फॉलो करना है, चाहे तुम्हें कितना भी अच्छा लग रहा हो चाहे नहीं लग रहा, समझ रहे ना। और अगर तुम उसे फॉलो करते रहोगे, ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर तुम करते रहोगे, तुम हर रोज अपना टाइम टेबल फॉलो करते रहोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ ये अगली चीज है, ये अगला क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर टाइम टेबल हम कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियोस लिए हुए हैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं एक आता और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि एग्जैक्ट तरीका क्या है टाइम टेबल बनाने का, हल्का सा ब्रीफ में बता देता हूँ अभी। ये जरूर ध्यान रखना टाइम टेबल बनाते वक्त यार कि कहीं से यूट्यूब से या कहीं से किसी और का डाउनलोडेड टाइम टेबल यूज नहीं करना है ना, टाइम टेबल हमेशा खुद से बनाना होता है, वो अपने आप में, जब तुम खुद से टाइम टेबल बनाते हो ना, वो अपने आप में एक सेल्फ मोटिवेशन की तरह एक्ट करता है ना। तुम बोल रहे हो ना कि मोटिवेशन कैसे लाए, अरे तुम खुद बैठ के जब तुम टाइम टेबल बनाते हो ना कि यार इस वीक का मैं टाइम टेबल बना रहा हूं, उसमें एक डेढ़ घंटा लग जाएगा, दो घंटा लग जाएगा अगर तुम पहली बार बना रहे हो,
पर वो उससे खुद अपने आप में मोटिवेशन आता है, क्योंकि जब तुम टाइम टेबल खुद बना रहे हो ना, तो तुम कमिट कर रहे हो अपने दिमाग को कि मैं इसको फॉलो करने वाला हूं, है ना। तो वो अपने आप में मोटिवेशन की तरह रहते हैं। देखो मोटिवेशन का ये रोल है कि जब तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारा एक रूटीन नहीं बना हुआ, तुम्हारा एक टाइम टेबल नहीं बना हुआ, तो उसको स्टार्ट करने में ज्यादा मेहनत लगती है ना, तो उस समय मोटिवेशन काम आता है। तो मोटिवेशन का वो रोल वहां पर है कि मोटिवेशन को यूज करके तुम डिसिप्लिन को क्रिएट करो अपनी लाइफ में। तुम मोटिवेशन को यूज करके डिसिप्लिन को क्रिएट करो अपनी लाइफ में, अपना एक रूटीन क्रिएट करो। पर जब एक बार रूटीन हो जाता है ना तुम्हारा सेट, फिर उसके बाद तुम्हें इतने मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे तुम इसको मतलब एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे देता हूं, जैसे जिम है यार, है ना। जैसे मुझे जब पहली बार जिम जाने स्टार्ट करना था ना, तो पहले तो जोश जोश में भाई जाने लगा, कुछ दिन गया, फिर वो जोश चला जाता है। देखो जोश की यही बात होती है, मोटिवेशन की यही बात होती है, वो कुछ दिन होता है उसके बाद चला जाता है ना। तो कुछ दिन तो भाई रोज गया, फिर उसके बाद जब जाना छोड़ दिया, एक दिन मन नहीं कर रहा, थक गया कि नहीं जा रहे यार, फिर नहीं जा रहे, फिर कभी कभी गया, कभी कभी नहीं गया, फिर ऐसे रूटीन खराब हो गया ना। तो समझ रहे हो ना, ये चीज होती है। पर इसमें फिर ये चीज भी मैं नहीं करी, मैं बता रहा हूं ना। फिर एक टाइम था मैंने सोच लिया, चाहे कुछ भी हो रहा है मुझे जाने ही जाना है। और अगर इस चीज को तुम 3-4 वीक तक कंटिन्यू कर लेते हो ना, तो वो तुम्हारा डिसिप्लिन बन जाता है। जो तुम्हारा मोटिवेशन होता है ना, जो मोटिवेशन तुम्हें स्टार्टिंग में चाहिए होता है ना, तुम मोटिवेशन तुम्हें चाहिए होगा स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा चाहिए होगा ना, तुम्हें 2-3 वीक चाहिए होगा। पर तुम अगर किसी चीज को 2-3-4 वीक फॉलो कर लेते हो ना, तो फिर वो तुम्हारा रूटीन बन जाता है, फिर उसको करने में तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। अगर तुम 4 वीक तक कंटिन्यूअसली लेट से जिम जाते हो, रोज जाते हो, कुछ भी करके पुश करके, कहीं से भी मोटिवेशन लाके, कुछ भी करके तुम कहते हो जान ही जाना है, उसके बाद फिर तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें विल पावर नहीं चाहिए होती जाने के लिए, तुम थके हुए भी फील करते हो ना, तो भी तुम्हारा वो नॉर्मल रूटीन बन जाता है, तुम जाके जिम जाओगे। उसी तरह से पढ़ाई करने का भी यही है ना। आई थिंक ये वाली बात बोली भी थी ना अभी रिसेंटली, जो कोटा फैक्ट्री का सीजन बनता है ना, उसमें जीतू भैया बोले थे ना 21 दिन है ना, नॉट एक्जैक्टली 21 दिन, बट इट इज अ गुड आइडिया। ये आइडिया बहुत सही है कि अराउंड 2-3-4 वीक लगते हैं तुम्हें, है ना। स्टार्टिंग में तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, तुम अपना एक रूटीन बना लो। अगर तुम अभी 6 घंटे पढ़ाई करते हो मान लो, लेट्स से है ना, तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे, सिर्फ 6 घंटे कर रहे हो मान लो पढ़ाई, है ना। ऑल्दो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 12 आवर्स, 14 आवर्स टोटल पढ़ाई, टोटल स्टडी इंक्लूडिंग क्लासेस एंड एवरीथिंग, है ना। पर लेट्स से अभी तुम 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो एकदम से 12 घंटे या 14 घंटे पढ़ने की कोशिश मत करो, स्टार्टिंग में 7-8 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, है ना। धीरे धीरे ग्रेजुअली हर वीक फिर 1-2 घंटे ऐड करो, है ना, पर बनाओ, है ना, है ना। और स्टार्टिंग में जब तुम करोगे ना, जब तुम टाइम टेबल बनाओगे, तब तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी थोड़ी ना। वो कैसे रहेंगे वो भी बताओ, स्टार्टिंग का मोटिवेशन कहां से लाओगे वो भी मैं बता रहा हूं। एक तरीका तो तुम्हारा खुद का टाइम टेबल बनाना हो गया, उससे ही मोटिवेशन आ जाता है, बिलीव मी उससे ही आ जाएगा मोटिवेशन, है ना, है ना। तो वो तुम्हें लाना है और उसको तुम्हें कुछ दिन फॉलो करना है ना। तुमने एक हफ्ते मान लो तुमने 7 घंटे पढ़ाई करी, फिर अगले एक हफ्ते तुमने 8 घंटे करी, फिर 9 घंटे करी, फिर 10 घंटे करी, फिर धीरे धीरे वो तुम्हारी, देखो जो हैबिट्स होती है, जो आदतें होती है, वो ओवरनाइट चेंज नहीं करती, उनको चेंज करने में समय लगता है ना। तो जब तुम इस तरह से करते जाओगे ना, धीरे धीरे तुम 11-12 घंटे तक पहुंच गए, है ना, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर, माना इसमें समय लग जाएगा, 5 हफ्ते लग जाएंगे, 6 हफ्ते लग जाएंगे, पर तुम पहुंच जाओगे ना। और उसको कंटिन्यू करना है, जब तुम इस तरह से कंटिन्यू करोगे वो तुम्हारा अपने आप रूटीन बन जाएगा, फिर तुम्हें विल पावर नहीं चाहिए होगी, फिर तुम्हें पढ़ाई करने के लिए विल पावर नहीं चाहिए, वो तुम्हारा रूटीन है, वो तुम्हारा नॉर्मल काम है कि तुम उठते हो फिर पढ़ते हो, फिर तुम्हारे अपने भाई लंच करा, फिर तुमने क्लास करी, फिर उसका तुम थोड़ा रेस्ट लेते हो, फिर तुम पढ़ाई करते हो, ये तुम्हारा नॉर्मल रूटीन बन जाएगा। और तुम्हें रूटीन डेवलप करना याद रखना, समझ रहे हो ना, क्योंकि मोटिवेटेड हर समय कोई भी नहीं रह सकता। रूटीन डेवलप होने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगेगा किसी दिन डीमोटिवेटेड फील होगा, तुम्हें यह ध्यान रखना है, जिस समय तुम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो उस समय तुम्हें जाकर मोटिवेटेड वीडियोस नहीं देखे, यूट्यूब पे जाकर घूमना नहीं है, रैंडम भटकना नहीं, उसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता है। तुम जाते 15 मिनट के लिए, निकाल 5 घंटे देते हो, फिर पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तुम्हें ये नहीं करना, जब तुम्हें डीमोटिवेटेड फील हो रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी मैं बताऊंगा एक तरीका और बताऊंगा, उसको थोड़ा सा उस लिस्ट को देखना है, एक लिस्ट अभी बताऊंगा, उसको देखना है तुम्हें, और फिर अपनी पढ़ाई करनी, तुम्हारा जो होमवर्क है वो करना है। तुम्हें ज्यादा फ्यूचर का सोचा नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा, तुम्हारा काम ना ये नहीं है कि एग्जाम निकालना है, तुम्हें इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, ये करना नहीं करना, तुम्हें ये सब नहीं करना है। तुम्हारा काम है सिर्फ आज का होमवर्क कंप्लीट करना, तुम्हारे टीचर ने आज जो होमवर्क दिया ना, आज का जो टारगेट है उसको करना है, उसके नोट्स रिवाइज करना, बस तुम्हारा काम सिर्फ आज का खत्म करना है, और ज्यादा तुम्हें नहीं सोचना। तुम नहीं सो बिलीव में तुम्हारा बहुत सारा प्रेशर कम हो जाएगा, तुम बस ये सोचो मेरा काम सिर्फ आज का करना है और कुछ भी नहीं करना, मुझे आज जो है बस वो खत्म करना है, थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह है तो वो करना है। और रोज अगर तुम ऐसे आज आज का करते जाओगे ना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, उससे ना प्रेशर भी कम हो जाता है, एंग्जाइटी भी कम हो जाती है, जो तुम परेशान होते रहते हो ना, नर्वसनेस वगैरह, वो सब कम हो जाती है। हम क्या होते हैं एकदम से ऐसा इतना सारा देख लो, दो भाई एकदम से इतना सारा सिलेबस है तीनों सब्जेक्ट में, फिर तो डर लगेगा ही ना। अरे पर तुम समझ भी नहीं, तो समय भी तो है इतना सारा, समझ रहे हो ना, समय बर्बाद नहीं करना, रोज का रोज खत्म करते जाओ, हो जाता है, जो टाइम है वो सफिशियंट होता है। चलो बात करते हैं ना, है ना, पहले तो ध्यान रखना मोटिवेशन का यूज तुम्हें सिर्फ डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए करना है। डिसिप्लिन क्रिएट करने के बाद वो ऑटो पायलट मोड पे हो जाता है, फिर तुम्हारा ही चलता रहता है। तुम्हें उसे खराब नहीं करना है ना, इतना रखना है कि बस उसे खराब नहीं करना। तो स्टार्टिंग में अपन कैसे भाई सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं, एक लिस्ट बनाओ, दिस इज समथिंग आई डिड, और ये मेरे को हेल्प करता था जब मैं पढ़ाई करता था, है ना।
मेरे कई स्टूडेंट यूज कर चुके हैं एंड इट हेल्प्स देम, ठीक है, याद रखना। पर ये इसका काम कुछ ही है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रखेगा। यूज इट टू क्रिएट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्रिएट नहीं करा तो थोड़ी देर बाद इसका भी फिर असर नहीं होगा, फिर कहोगे यार ठीक है। तो देखो क्या करो, एक पेपर उठाओ अपना बढ़िया, एक पेज उठाओ, उस पर दो कॉलम बनाओ ना। पहले कॉलम में पहली तरफ देखो, व्हाट इफ आई गेट इनटू इंडिया टॉप आईआईटी और टॉप मेडिकल कॉलेज, है ना, जो भी तुम्हारा बोले, एम्स दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी जो भी तुम्हारा है भाई, अगर तुम चले जाते हो तो क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी किस तरह से बदल जाएगी। व्हाट इफ आई डू नॉट गेट इनटू, अगर मुझे वो कॉलेज नहीं मिलता, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, मान लो किसी प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ता है, अजीब फर्जी से कॉलेज में जा रहे हैं कुछ भी, है ना, तो क्या होगा ना, अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 5-10 बातें लिखो, 5-10 बातें यहाँ पे लिखो अपने हिसाब से, और इसको अपना बिल्कुल, इस लिस्ट को किसी को दिखाना नहीं है, तुम्हें अपने पास रखना, ये तुम्हारी पर्सनल लिस्ट है, इसे रख लेना कहीं पर भी, छुपा होगा किसी किताब में छुपा देना, कोई मोटी सी किताब में, कोई नहीं खोलेगा ना, तो लिख के रख लेना ना। जैसे क्या क्या फर्क पड़ सकते हैं, जैसे अगर अच्छे कॉलेज चले गए तो भाई, है ना, पहले तो फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर, मतलब फ्यूचर एक जैसे सिक्योरिटी हो जाता है, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे फिर तुम, है ना। यहाँ पे नहीं जा पाए, प्राइवेट कॉलेज में गए तो फिर भाई फिर फाइट मारनी पड़ेगी, पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा, प्लेसमेंट वगैरह, हजार तरीके अलग टेंशन आ जाएंगे, है ना। तुम्हारी भाई इज्जत बढ़ेगी, इज्जत भी बहुत मिलती है ना, जब रिजल्ट विजल्ट आता है, सिलेक्ट हो जाता है हर जगह, फैमिली में, आस पड़ोस के लोग, है ना, नेबर वगैरह, और सब सब में इज्जत बढ़ जाती है, मम्मी पापा वगैरह भी बड़ी तारीफ करते हैं। नहीं आते तो फिर भाई सब ताने भी मारेंगे तुम, कहना है कोचिंग कर रहे थे, क्या हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे लिखो चार बार, है ना, 5-10 बातें यहाँ लिखो, 5-10 बातें यहाँ लिखो, ऐसी बहुत सारी बातें लिख सकते हो, जो भी तुम्हें पता है, कई चीज हो सकती है ना, तो उनको लिखो, है ना, और इसको लिख कर रख लो। पहले तो जब तुम लिख रहे होगे ना, ये अपने आप में जो इनिशियल मोटिवेशन चाहिए तो ना वो मिल जाएगा। और याद रखना, ये लिखो और तुरंत टाइम टेबल सेट कर लेना, या फिर इसको लिखने से पहले टाइम टेबल बना लेना अपना, एक हफ्ते का टाइम टेबल बना लेना। टाइम टेबल बना के पढ़ाई करने से ना क्या होता है कि तुम्हें हमेशा एक डायरेक्शन रहता है कि यार मुझे इसको फॉलो करना है ना, तो उससे तुम्हारा टाइम बर्बाद ना कम होता है, वरना सोच सोच में हम बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो पहले टाइम टेबल बना लेना, उससे थोड़ा मोटिवेशन आ गया, फिर इसको बना लेना और फिर लग जाना। याद रखना एक हफ्ते तो फॉलो करना है, और एक हफ्ते में कई बार ऐसा मन करेगा कि भाई कि नहीं यार छोड़ देते हैं, टाइम टेबल छूटने नहीं देना स्टार्टिंग में, भाई रिलैक्स टाइम टेबल बनाना, इसलिए मैं कह रहा हूँ एकदम से ना 12 आवर्स का टाइम टेबल मत बना लेना, अगर तुम उतनी पढ़ाई नहीं करते हो तो क्या होगा, फिर अगर खतरनाक टाइम टेबल बना लिया ना तो फिर वो फॉलो नहीं होगा, और एक दिन अगर हल्का सा भी फॉलो नहीं होना तो फिर वो गंदा लगेगा और फिर धीरे धीरे वो छूटता जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में रिलैक्स टाइम टेबल बनाओ जिसको तुम फॉलो कर सकते हो, है ना, उसको कवर करो, एक हफ्ते के लिए वो बनाओ, उसको फॉलो करो, पर उसको फिर छूटने नहीं देना। अगर किसी दिन डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, कुछ गंदा लग रहा है, तो चुपचाप ये लिस्ट निकालो और एक बार अच्छे से देख लो, अकेले में, किसी को नहीं बताना, अकेले में जाके पढ़ लो, देखो भाई ये फर्क पड़ेगा, अगर मैंने अभी आज पढ़ाई कर ली और इंडिया के टॉप कॉलेज में पढ़ गया तो मेरी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी, नहीं तो फिर जहां है वहीं रह जाएंगे। पढ़ने बैठ जाओ और पढ़ने बैठ जाओ कि देखो ज्यादा नहीं करना, बस जो टाइम टेबल का उतना फॉलो करना है, और टाइम टेबल में ना थोड़ा सा समय रिलैक्स भी रखा करो, है ना, कि भाई जो भी है दोस्तों से बात करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, या टीवी पे कुछ देखते हो वो थोड़ा वो भी रखा करो, है ना। यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यूज इट एज ए रिवॉर्ड, है ना, जैसे मान लो तुम्हारा है कि भाई तुम टीवी पे कुछ देखते हो या यूट्यूब पे कुछ, वैसे यूट्यूब तो बहुत एडिक्टिव हो जाता है, दिक्कत ये है ना, मान लो है ना कुछ भी, जैसे मेरा था कॉलेज में मैं यूज करता था, बिग बैंग थ्योरी देखता था ना, बड़ा अच्छा लगता था, 20 मिनट्स का एपिसोड होता है ना, कॉमेडी बड़ा मजा आता था, तो मैं दिन भर ही देखता रहता था, क्लास विलास सब कॉलेज में अलग लेवल हो गया था कि दिन भर वही चलता रहता था, टीवी शोज वगैरह देखता रहता था, पर फिर थोड़ा लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आए, तो फिर ये सोचा कि यार भाई अगर दिन का इतना टारगेट है इसको कवर कर लेंगे तो फिर अपन भाई सोने से पहले अपन एक एपिसोड देखेंगे ना। तो यूज इट एज ए रिवॉर्ड, है ना, तुम किसी भी चीज को रिवॉर्ड की तरह यूज कर सकते हो। मान लो तुम्हारा आइसक्रीम खाने का मन करता है तो सोच लो यार अगर मैंने आज का टाइम टेबल फॉलो कर लिया तो रात में मैं आइसक्रीम खाऊंगा, अगर मैंने ये कर लिया तो रात को मैं एक एपिसोड देख लूंगा, या फिर जो भी तो चीज में अच्छी लगती है ना, कि ना जो भी वॉट एवर यूज इट एज ए रिवॉर्ड, पर इस पर फिर स्टिक करना, अगर नहीं कर पाओ तो मत खाना ना। मान लो तुम्हें आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है तो ये सोच लो जिस दिन टाइम टेबल, जब रोज का टाइम टेबल खत्म कर लिया करूंगा तभी आइसक्रीम खाऊंगा, यार कुछ भी वॉट एवर, है ना, वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इन छोटे छोटे तरीकों को यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में, ये चीजें तुम्हें स्टार्टिंग से 3-4 वीक करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार तुम्हारा डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है ना, मतलब वो रूटीन डेवलप हो जाता है, फिर उतना मेहनत नहीं करना, बस फिर तुम्हें वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बर्बाद नहीं कर देना उसे, है ना, फिर इतना स्टार्टिंग में ज्यादा विल पावर लगती है, स्टार्टिंग में विल पावर चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग में मोटिवेशन चाहिए, पर एक बार जब डिसिप्लिन बन जाता है फिर नहीं चाहिए, और डिसिप्लिन बन गया, कंसिस्टेंसी बन गई, तुम लगे रहोगे ना अगर एंड तक तो तुम अपना बेस्ट करके आओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक को एम्स दिल्ली आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा, तुम्हें एक तगड़ा एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ना, तुम अपना जो बेस्ट है वो दे पाओगे, और वही करना है हमको, वही करना है हमको, है ना, तो ये करना वही है ना। और भटकना मत, पता चले इस वीडियो में जाके फिर दो और मोटिवेशनल वीडियो देख लिए यूट्यूब पे, और फिर दो ये स्ट्रेटजी वीडियो देख लिए जाके, फिर रात में फिर वही दुखी होकर सो रहे हैं यार आज का दिन भी बर्बाद हो गया, तो ऐसे जुड़ा फिर पूरे 2 साल निकल जाते हैं, है ना। याद रखना ये जो आदतें होती हैं जिंदगी भर रहती हैं, ये सब अभी के लिए नहीं, इट इज नॉट जस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, है ना,
पूरी जिंदगी रहती है आदतें। यही रीजन है आई को मतलब हर जगह हायर कर लिया जाता है, उन फील्ड में भी हायर करा जाता है जहां पे बिल्कुल टेक्नोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये पता ना कि वो मेहनत कर लेगा वो कर लेगा, इसने प्रूफ कर दिया अपना को, इसने अगर ये एग्जाम निकाल दिया मतलब ये कर लेगा, कुछ भी कर लेगा ये, है ना। चलो अच्छी बात है, तो बाकी देख लो भाई, है ना, यूट्यूब पे भाई सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर देना, मैं बोलता नहीं हूँ ना, भूल जाता हूँ, कर देना। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया को डीएक्टिवेटेड रखो वो बेटर है, टेलीग्राम पे जरूर कर लेना, एंड टेलीग्राम को सिर्फ एजुकेशन के लिए यूज करना ना, बहुत सारी चीजें आजकल, है ना। तो ये भाई नीट वाले नीट को फॉलो कर ले, आईटी को, जो भी लेटेस्ट बैचेस हो, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं सभी यहाँ पर, जितनी भी फ्री लाइव क्लास होती है, मैं लगभग हर रोज एक फ्री लाइव क्लास देता हूँ ना, तो भाई उनके भी सब लिंक्स वगैरह यहीं पे मिलती है, इसको फॉलो कर लोगे तो सब मिल जाएगा, वेबसाइट देख लेना भाई ना, बहुत कुछ मिल जाएगा। बाकी अनअकैडमी पे जो हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते कर सकते हो, लेटेस्ट बैच वगैरह जो भी उसके लिए बता देना, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्टिंग में अपनी टेलीग्राम आईडी दी है, पर्सनल आईडी, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ये चैनल्स है ना, बाकी फॉलो कर सकते हो। चलो बाय गाइस, सी यू, बाय बाय, निकल लो यहाँ से।